So now give the answer, Shivani. Now come to the point. So more electronegative halogen is more reactive, right? अब मुझे बताओ what is the order of electronegativity F2 Cl2 Br2 I में से, which one is most electronegative? Fluorine. Then chlorine bromine iodine, है ना? Yes or no? Yes ma'am. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, देखो Cl2 एंड Br नेगेटिव, मतलब एलिमेंट वाइज अगर अपन देखें, है ना? तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. यस. सो यहाँ पर हम सीधा आंसर ही लिखते हैं. बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, क्लोरीन विल डिस्प्लेस Br, यस और नो? रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिएक्शन लिखना आना चाहिए. डिस्प्लेस का मतलब शुद्ध हिंदी में बताना, शुद्ध हिंदी में धक्का देना, है ना? हाँ. यस संस्कृति, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड. तो धक्का देके क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ बच्चा पार्टी. KCl. हाँ, यहाँ बन जाएगा KCl और इसको बोल देगा प्लस Br, चल भाग यहाँ से, राइट? ये रिएक्शन पॉसिबल है. Br2 इज पास इन KCl. अब अपन सेकंड लेते हैं, Br2 is passed in KCl. Which one is more reactive? Chlorine. तो यहाँ पर फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, no reaction, right? Yes, no displacement. Because bromine तो धक्का नहीं दे सकता ना KCl को. शिवानी understood? प्रणव, शिवानी? Yes, प्रणव. Yes, ma'am. शिवानी तो रिप्लाई किया, प्रणव माइक का. यस मैम. अब नाउ सेकंड इज Br2, आंसर करो रिएक्शन विद Ki, व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन? ब्रोमीन. तो बस अब धक्का दे देगा उसको. यस, यहां पर आ जाएगा KBr प्लस I2. यस, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट. ओके, नाउ लास्ट, Cl2 इज पास्ड इन KF. व्हाट हैपेंड, व्हिच वन इज नो रिएक्शन? नो रिएक्शन. व्हाई नो रिएक्शन, टेल मी. बिकॉज़ फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, है ना? यस और नो? अच्छा, एक चीज और, वन थिंग मोर. ये Br2 जो होता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है. ओके, सो वी विल गेट द रेडिश ब्राउन लेयर इन सॉल्यूशन, राइट? ओके, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा सॉल्यूशन में ड्यू टू Br2. और आयोडीन कैसा होता है, वायलेट? तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, वायलेट कलर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? यस मैम. अभी आया समझ में कि नहीं आया? यस मैम. आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ये हैलोजन डिस्प्लेसमेंट है. अब एक और, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड. देखो, वी नो मेटल ऑक्साइड बनाता ही है, है ना? अब देखो एक चीज याद रखना, जब ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो मैं ऐसे बनाती हूं M2OX, लेट मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट X है. इज दैट क्लियर? ये एक जनरल फॉर्मूला है. सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? यस मैम. इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं ग्रीन कलर से नहीं लिखूंगी, वो वहां पे मिक्स हो रहा है, दूसरा कलर ले रही हूँ. हाँ, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एक्स होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा. यस और नो? ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन फॉर्मेशन ऑफ M2OX, बताओ मेटल ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? मेटल इज, जल्दी बताओ, रिड्यूस. नहीं बेटा, ऑक्सीडाइज. कैसे होगा बताती हूँ आपको. देखो, ये मेटल एलिमेंटल स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ और इसने क्या बनाया,
M2OX, right? Now, what is the oxidation state? Tell me. इसका भी जीरो है, इसका प्लस एक्स हो गया और इसका माइनस टू. तो अब मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी बच्चा पार्टी. मेटल का ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन. ठीक है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है ना बच्चों, और ये क्या हो गया, रिडक्शन. रिडक्शन, दिस पॉइंट इज क्लियर. तो हम बोल सकते हैं मेटल इज ऑक्सीडाइज, क्लियर. और ऑक्सीडाइज होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, मुझे ये बताओ. फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी लेस, यस और नो? यस मैम. तो हम एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, मेटल हैविंग हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल आरपी विल ऑक्सीडाइज, एस आर पी लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, विल ऑक्सीडाइज, जल्दी बताओ, रेडिली. और एक चीज केमिस्ट्री में हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये बहुत पढ़ते हैं, मोर स्टेबल फॉर्म्स मोर रेडिली. रिपीट करो, मैंने क्या कहा, रिपीट, मोर स्टेबल फॉर्म्स. मतलब अब इस लाइन को अपन उल्टा पढ़ते हैं, द मोर द एंटिटी विच फॉर्म्स रेडिली दैट इज मोर स्टेबल. इसी लाइन को मैंने उल्टा करके बोला है ना, इंग्लिश में अपन एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना, तो इसी लाइन को मैं उल्टा करके बोलती हूँ. पहला स्टेटमेंट रिपीट करो पूरी क्लास, समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, हाँ, क्या ये हैमंड सूत्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और रिएक्शन इंटरमीडिएट में तो बहुत ज्यादा काम आएगा, रिपीट करो जल्दी, क्या बोला मैंने? एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी लोग आज सबने स्टेबल फॉर्म मिला के पिया है बॉर्नविटा की जगह है, तभी तो ओट नहीं खुल रहे हैं. जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी से, मोर स्टेबल फॉर्म, मोर स्टेबल फॉर्म्स मोर रेडिली. अब इस स्टेटमेंट को हम रिवर्स करके बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, जो जितनी जल्दी बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? Yes, ma'am. बोल सकते हैं ना. तो इस लाइन से अपन क्या निकाल सकते हैं, मेटल हैविंग लेस एस आर पी विल ऑक्सीडाइज रेडिली एंड, और जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो ऑक्साइड जल्दी बनाएगा, यस और नो? और जल्दी ऑक्साइड बनाएगा, अरे ये क्या हुआ भाई, व्हाट इज दिस, तुम लोगों को स्क्रीन कैसी दिख रही है? अच्छा नहीं नहीं होगा, ये क्या हो गया था, आ गया आ गया. एंड एंड क्या फॉर्म, वो टू नहीं था मैंने, एंड फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड, राइट? मीन्स मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इज दैट क्लियर? तो देखो ये लाइन यहां भी लिखी है, मेटल्स हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल देयर ऑक्साइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, मतलब हीट करने पर डिकम्पोज नहीं कर होते. एंड मेटल्स हैविंग, कलर चेंज कर लेते हैं, मेटल्स हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, देयर ऑक्साइड्स आर नॉट स्टेबल टुवर्ड्स हीट, मीन्स हीट करने पर वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट, ये एक्चुअली जनरली याद करने के लिए है कि मेटल्स हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर, ये तो बिल्कुल कॉपर से जिनका ज्यादा है, देयर ऑक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल एंड दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग, राइट? जैसे सिल्वर है, HgO है, तो इनका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा, है ना? हाउएवर Na2O नहीं होगा, क्यों? That having very less reduction potential. Is that clear? अब मैं एक एग्जाम्पल कराती हूं, देखो यहां पर मैं आपको वैल्यू दे रही हूं. हाँ, आपको भी पता है, ये है पेज 6, देखो Fe डाई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, -0.44,
और ट्राई की कितनी है -0.04। देखो अगर हम देखें ये डाई पॉजिटिव से एफई, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट, ओके, एंड ई नॉट ऑफ एफई ट्राई पॉजिटिव टू एफई दैट इज -0.04 वोल्ट, ओके। अब मुझे बताओ आउट ऑफ, नहीं इसको मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ, रुक जाओ जरा, हाँ द क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट करूं, स्पेस में दिक्कत आ गई मुझे, ऐसे कर लेती हूँ। ये दो वैल्यू हैं, अब आप मुझे बताओ आउट ऑफ FeO एंड Fe2O3 विच वन इज मोर स्टेबल, जल्दी बताओ। FeO एंड Fe2O3 विच वन इज मोर स्टेबल, जल्दी बताओ। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा दैट वन इज मोर स्टेबल, देखो लाइन, हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स, यस और नो, अरे बोलो भाई। तो किसका डाई का कम है ना, तो FeO इज मोर स्टेबल देन, मोर स्टेबल देन व्हाट, Fe2, राइट, क्यों, रीजन, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, ओके, क्लियर, यस मैम, ओके। तो अगर आपको किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो आप बता सकते हो ना बहुत आसानी से कि वो क्या बनाएगा, बताओ जल्दी, कैसा ऑक्साइड बनाएगा, स्टेबल, यस और नो। चलो अब मैं ओरली क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जो बच्चे क्लास में होंगे उनको बहुत फायदा होगा इससे रिलेटेड। देखो हाँ क्या हो गया आज इसको, ये देखो मैं आपको 3 एलिमेंट दे रही हूँ यहाँ पे, अब आप मुझे बताना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, Fe2O3, विच वन इज मोर स्टेबल आउट ऑफ Al2O3 एंड Fe2O3, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, चलो ये ना एक मिनट, ओके अभी बताती हूँ, वेट, अरे जयदित एक मिनट बताती हूँ, हाँ रीजन इज अंडरस्टूड और नॉट, यस और नो, क्लियर, अरे जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, यस यस। अच्छा बताओ विच एलिमेंट फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, लिथियम, राइट, बिकॉज इट हैव लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर, यस और नो, यस मैम, यस मैम, एनी डाउट, नो। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम वो उस मेटल का ऑक्साइड उतना ही ज्यादा स्टेबल, ओके क्लियर। जयादित्य ने क्या बोला था, थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ा स्टार्टिंग से, जयादित्य मैंने ये बताया कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा मेटल का, सॉरी उसका ऑक्साइड उतना ही स्टेबल होगा, राइट, मेटल हैविंग लेस एसआरपी विल ऑक्सीडाइज रेडिली एंड फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड, ओके। तो हमको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम ऑक्साइड उतना ही ज्यादा स्टेबल, क्लियर नाउ, यस मैम। अब ये मैंने एक एग्जांपल करवाया था, मैंने यहाँ पर ये दिया था आयरन का Fe2 से Fe में रिडक्शन एंड Fe ट्राई पॉजिटिव से Fe में, और ये वैल्यू गिवन थी, राइट, सो दिस वैल्यू इज लेस एक्चुअली, तो दैट इज व्हाई FeO इज मोर स्टेबल देन Fe2O3, ओके मैम, ओके। अब क्वेश्चन आते हैं, अब बच्चा पार्टी मुझे बताना, देखो कंसीडर द फॉलोइंग सेट, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक डाला, ब्लू कलर का होता है ये,
एंड ये भी कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है, इसमें सिल्वर डाला, और कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है, इसमें एफई डाला, ठीक है। अब ब्लू कलर सॉल्यूशन का किस केस में चेंज होगा या फेड होगा, किस में होगा बताओ? तो यहां पर किसी को अप्रोच बन रहा है कि कैसे आएगा, जल्दी बताओ। हाँ, फर्स्ट के केस में, यस यस, अभव्या सही और समर्थ का सही आंसर, यस। समर्थ थोड़ा सा और सोचो, एक के अलावा भी और आएगा। बस दो बच्चे। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ यस, क्वेश्चन इज दैट, ये क्वेश्चन ये रहा, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, ब्लू कलर सॉल्यूशन चेंज इंटू कलरलेस और फेड्स, फेड्स और चेंज इन कलर भी बोल सकते हैं, किस केस में होगा, वन टू थ्री में से? यस हिमांगी करेक्ट, नितेश सही, चैतन्य थोड़ा सा और सोचो बेटा, करेक्ट है जो आपने बताया लेकिन आधा है, उसमें और भी देखो, और भी ऑप्शन चेक करो। मैम कलरलेस होगा, दूसरे कलर में नहीं हो सकता? हाँ दूसरे कलर में हो सकता है, यस संस्कृति करेक्ट, दूसरे कलर में हो सकता है। एक मिनट मैं चेंज यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं ब्लू कलर चेंज टू कलरलेस और फेड्स, और फर्स्ट, बिल्कुल सही प्रणव, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और कलर, और क्या लिखूं मैं, चेंज टू अदर कलर, या नीचे लिखती हूँ, किसी दूसरे कलर में भी चेंज हो सकता है। ओके बताओ बताओ फटाफट, ये बच्चा पार्टी तो आंसर दे रही है भाई। यस खुशी, श्रेयांशी बिल्कुल करेक्ट, खुशी थोड़ा सा और करो, प्रणव थोड़ा सा और सोचो बेटा, फर्स्ट के अलावा नहीं पता, आएगा आएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। हाँ विश्वनाथ, क्या हो गया विश्वनाथ? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ओके यस रुद्र करेक्ट, चलो देखो थर्ड। हाँ यस डाउट मैम, थर्ड, मैम थर्ड वाला बोल रहा था, थर्ड वाला भी होगा बेटा, फर्स्ट भी होगा। देखो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखे ना, सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा, दस देयर इज नो चेंज इन सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में चेंज होगा। तो पहले मैं लिख देती हूँ किस में चेंज नहीं होगा, जल्दी बताओ। सेकंड सेकंड, देयर इज नो चेंज इन सेकंड, ओके। अब फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में वो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा, राइट? फर्स्ट वाले में क्या होगा, ब्लू टू कलरलेस, और सेकंड वाले में ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा, फेरस आयन ग्रीन कलर का होता है बेटा। थर्ड वाला होगा, ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा। ओके बताती हूँ कैसे करना है आप लोगों को। देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, तो इसके लिए यू शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? यस याद है, याद है पक्का? यस हाँ पक्का ना? तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में लगाएं तो आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर विच वन इज मोर रिएक्टिव, अगर अपन सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो सॉल्व करते हैं अपन वन बाय वन। देखो फर्स्ट वाले में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस और नो? ठीक है यस मैम, यस मैम। रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक एलिमेंटल स्टेट में है और CuSO4 आयनिक में है। अब कंसेप्ट हमारा वही है, मोटा पहलवान छोटे पहलवान को धक्का दे देता है, यस और नो? यस। तो ये इसको क्या करेगा, निकल धक्का दे देगा ना, तो ये इसकी जगह आके बैठ जाएगा, ठीक है, और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में। ये कलरलेस होता है एक्चुअली,
जिंक के सारे सॉल्ट कलरलेस होते हैं. ओके ये कैसा होगा? जल्दी बोलो. कलरलेस. कलरलेस. तो फर्स्ट केस में मिलेगा. नाउ वी विल लुक एट सेकंड. सेकंड में क्या डाला है? सिल्वर डाला है, राइट? आउट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज मोर रिएक्टिव? कॉपर. कॉपर. तो उस केस में क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन, राइट? कुछ नहीं होगा, है ना. एंड इन थर्ड केस किसके बीच में रिएक्शन? आयरन एंड कॉपर. विच वन इज मोर रिएक्टिव? आयरन. सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर. ये तो क्लास टेंथ में भी पढ़ा है बच्चे, अपन ने पढ़ा है ना. यस मैम. यस मैम. तो FeSO4 प्लस क्या बन गया? कॉपर. और एक्चुअली ये हो गया किस कलर का? ग्रीन. ग्रीन कलर का होता है FeSO4. ओके. यस. यस मैम. यस मैम. ओके चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड क्या गिवन है जल्दी बताओ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ मेटल्स ABCD. तो यहां पर लिख लेते हैं, बताओ जिस जिसकी जो वैल्यू होगी वो लिख लेते हैं. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है ना, मींस ए ऑक्सीडाइज होगा. मैं लिख लेती हूँ ए पॉजिटिव में, राइट? यही है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन है. बताओ, अच्छे कलर से लिखती हूँ, बताओ जल्दी जल्दी बोलो. है ना? यस मैम. ऑक्सीडेशन मैं रिडक्शन कर देती हूँ. एक्चुअली ऑक्सीडेशन गिवन है, अपन रिडक्शन के टर्म में कर देते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी अपन रिडक्शन से निकालते हैं ना. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेट प्लस ए है. कितना हो जाएगा बेटा वैल्यू? ये माइनस क्यों किया बच्चे मैंने? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना. सेकेंड केस में ये ऑक्सीडेशन है, मैं करती हूँ रिडक्शन इसका. बी बी पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू बी. अरे यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? प्लस 0.34. यस, साइन चेंज. फिर थर्ड ले लेते हैं सी. सी पॉजिटिव. एक्चुअली वैल्यू नहीं पता ना तो मैं ऐसे ही रैंडम लिख रही हूँ. इसका कितना होगा जल्दी बताओ? -0.25. ओके. एंड लास्ट डी. डी पॉजिटिव से रिडक्शन, ये कितना हो गया? +0.8. इज दैट क्लियर? अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाना है तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं. लगा सकते हैं ना. क्या होता है मेटल की रिएक्टिविटी बताओ, जल्दी बताओ. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बताओ क्या होता है? इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, राइट? यस मैम. यार क्या बात है. इतना मतलब जवाब ही नहीं दे रहे हो. यस मैम. तो बोलो ना, माइक सही नहीं है क्या तुम लोगों के? सही है मैम. यस मैम सही है. आदित्य तुम बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, कंपनी भी मिल रही है. और किसकी खुशी की सही आ रही है आवाज? आदित्य बहुत धीमे बोल रहा है. अब अभव्य भी रिप्लाई कर रही है. यस मैम. हाँ तो जल्दी जल्दी. हाँ बताओ बच्चों, याद है ना ये? ओके. फीवर आ रहा है बेटा, टेक केयर. तो रेस्ट करना अभव्य. अच्छा चलो बताओ जल्दी, जब तक ना मैं इसको अरेंज कर देती हूँ यहाँ पे. ढंटनेंग. जल्दी जल्दी जल्दी. जल्दी बताओ किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? मेरे को प्रिंट आउट देने में आसानी रहेगी ना. बता दो ABCD, मुझे पता है क्वेश्चन, डोंट वरी मैं बता दूंगी. ओके सही है. चलो ये मैं बाद में अरेंज कर लूंगी. चलो बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, जल्दी बोलो. विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव? ए. हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम लगा लें, जिसका सबसे कम वो सबसे ज्यादा. हाँ ए मोस्ट रिएक्टिव, देन
और लीस्ट रिएक्टिव डी हो गया. यस बिल्कुल सही आ गया समझ में. रुद्र वाह अकेले अकेले हैं. ये कौन सा टाइम है? मम्मी ने दे दी मैम मैगी बना के. अपने क्या कर मम्मी ने मैगी बना के दे दी इसलिए मैं खा रहा हूँ. हाँ चीटर देख लो देख लो देख लो चलो. समझे बच्चा पार्टी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा एक चीज और. अगर ये नॉन मेटल्स होते तो क्या होता? चलो इसी क्वेश्चन. हाँ सपोज दैट सपोज ऐसा होता तो ऑर्डर क्या होता? ए बी सी एंड डी आर नॉन मेटल्स तो क्या होता? रिवर्स हो जाता है. है ना? तो बेटा ये ध्यान रखना है. एक्चुअली ये रटना नहीं है कि हमेशा ही रिडक्शन पोटेंशियल के लिए इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. है ना? ये ध्यान रखना है कि वो है क्या. अगर नॉन मेटल्स है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ बच्चा पार्टी. फिर क्या ऑर्डर हो जाएगा? फिर उल्टी कहानी हो जाएगी. डी मोस्ट रिएक्टिव देन सी बी देन बी फिर सी. एक्चुअली निगेटिव तो होता ही नहीं है ना नॉन मेटल का. इसलिए मतलब ये हाइपोथेटिकल बात है ना. मेटल्स नॉन मेटल्स नेवर हैव निगेटिव एसआरपी. नॉन मेटल्स नेवर हैव निगेटिव एसआरपी. क्लियर? यस मैम. ये याद रखना. और मैं इसको हटा भी दूंगी यहां से क्योंकि ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है. नॉन मेटल्स का कभी निगेटिव नहीं होता. लेकिन मैंने ऐसे ही आपसे वो करने के लिए पूछा कि अगर होता तो. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉसिबल रिएक्शन अरेंज मैग्नीशियम जिंक कॉपर एंड सिल्वर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है? हमको किस ऑर्डर में लगाना है बेटा? जल्दी बताओ. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिएक्टिविटी का कौन सा ऑर्डर? रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल की ना. है ना? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होता है? ये रट जाएगा तुमको मैं इतनी बार लिखूंगी. हाँ क्या होता है जल्दी बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी. यस और नो? अब हमको किसमें लगाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. है ना? तो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आरपी रिडक्शन पोटेंशियल. इसका मतलब क्या हुआ? मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. यस और नो? यस मैम. यस मैम. अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम. आया समझ में? है ना? अब देखो यहां से कभी कभी वैल्यू नहीं गिवन होती. अब मुझे आंसर इसमें शिवानी भी करेगी. देखो कॉपर यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है. यस शिवानी? यस मैम. मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. यस और नो? यस मैम. क्लियर? अच्छा मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है. चेक कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा. कर रहा है बेटा. रिएक्शन हो रही है. देखो मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है. जिंक डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे. अगर नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे क्रॉस लगा होता. ठीक है ना? ओके मैम. हाँ तो कर रहा है. देखो रिएक्शन हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. राइट? यस. नाउ थर्ड वाले में जिंक कॉपर को कर रहा है. देखो यस मैम. जिंक यहाँ पर कॉपर को आयन में से खुद आयन बन रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको अलग निकाल के फेंक रहा है ना. एलिमेंटल स्टेट में ला रहा है ना. तो बताओ कॉपर और जिंक में से विच वन इज मोर रिएक्टिव? जिंक. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अब मुझे बताओ इन तीनों में से देख के क्या आप बता सकते हो कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है?
बताओ जल्दी. Mg. हाँ Mg. तो Mg मोस्ट रिएक्टिव हो गया. पहले अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लेते हैं, उसके बाद चेंज कर लेंगे. Mg के बाद क्या आएगा बेटा? रेडन. रेडन. वेरी गुड. देन Cu. कॉपर. Ag. एंड इन लास्ट Ag. 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 लास्ट में Ag. सिल्वर. सिल्वर. ओके. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया, राइट? लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन हमने समझते बेचारी. क्या हो गया जयदित्त? व्हाट हैपेंड? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. और पूछा क्या है बेटा? अभी आंसर नहीं आया है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. अब जो मोस्ट रिएक्टिव है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा ना? यस मैम. किसका ऑर्डर हुआ जल्दी बताओ? रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी. तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा बच्चे? जस्ट अपोजिट. जस्ट अपोजिट. लेकिन डिक्रीजिंग में लगाना है. साइन मतलब किसका लगना चाहिए? डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन का लगना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? Ag. Ag के बाद कॉपर, जिंक एंड इट इज योर आंसर. समझे बच्चा पार्टी? यस मैम. यस मैम. ये आंसर है आपका. ओके. ये आंसर है. ये आंसर नहीं है. ये रिएक्टिविटी का है, रिडक्शन पोटेंशियल का है. सेकंड वाला आप बता सकते हो. मैं अभी बता के चुकी हूँ. Cl2 can displace I2 from Ki, but I2 can does not displace. But I2 cannot displace Cl2. Question अधूरा रह गया. Reason? Because Cl2 is more reactive. More react. Or Cl2 has, अगर अपन इसके उसमें बोलें, greater SRP, है ना? Yes, ma'am. Then I2. Electrochemistry की language में बोलते हैं. Done? चलो. क्वेश्चन नंबर सिक्स. थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन है. देखो यहां पर किसकी वैल्यू गिवन है? कोई मतलब यहां पर देखो कौन सा पोटेंशियल गिवन है बताओ? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन. लेकिन एलिमेंट्री स्टेट में एक भी नहीं है बेटा. एम ट्राई पॉजिटिव से एम डाई पॉजिटिव जा रहा है ना? क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इन सब की वैल्यू गिवन है, राइट? है ना? इन सब की वैल्यू गिवन है. अब पूछा है अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम प्लस टू टू प्लस थ्री. ओके. कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? सबसे बेस्ट है, हमको क्या गिवन है बेटा इसका? प्लस टू से प्लस थ्री का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना? तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे हर मेटल की. हर मेटल की प्लस टू से प्लस थ्री की रिएक्शन लिख लेंगे. वो ढंग से नहीं लिखा हुआ था इसलिए इरेज किया मैंने. प्लस थ्री से प्लस टू. प्लस थ्री से प्लस टू. मैंने कुछ गलत बोल दिया था. सॉरी सॉरी सॉरी. देखो फर्स्ट अपन लिखते हैं मीन्स सी आर ट्राई पॉजिटिव. वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट कन्वर्ट टू सी आर डाई पॉजिटिव, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. और इसका कितना गिवन है ई नॉट? देख लेते हैं कितना गिवन है बताओ. माइनस जीरो फोर पॉइंट वन. हाँ थोड़ा सा दूर लिखा हो गया. पास लिख दूंगी तो शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा मुझे. हाँ ई नॉट कितना है? माइनस जीरो पॉइंट फोर वन वोल्ट, राइट? सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है? मैग्नीज. Means Mn tri positive by taking one electron converts to Mn di positive. इसका E not कितना है बताओ? कितना है? 1.51 volt. Okay. Third. मैम आपने यहाँ पे di positive दिया. Mn tri positive. Okay. वो seven दिया है वो लो seven कर दिया. Okay. Then third है Fe. Fe tri positive by taking one electron converts to Fe di positive. बताओ बच्चा पार्टी कितना?
0.77 वोल्ट राइट एंड क्या है कौन सा एलिमेंट है कोबाल्ट सीओ ट्राई पॉजिटिव ये क्वेश्चन एक्चुअली इतने इजी होते हैं और जेई में और नीट में आते भी बहुत हैं 1.97 मुझे बताओ इसमें से कौन सा प्रोसेस मोस्ट फीजिबल है मैम एमएन ट्राई पॉजिटिव आना चाहिए था ना मैंने डाई पॉजिटिव लिख दिया सॉरी सॉरी चेंज कर देती राइट ओके हाँ और ये भी इसको भी थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ वो उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या होती है वो हाँ मुझे MnO4 वाली याद रह गई तो इसलिए 1.51 रह गया हाँ बच्चों देखो जिसका जिस प्रोसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है मतलब वो प्रोसेस सबसे ज्यादा फीजिबल है यस और नो बहुत रेडी हो रहा है ना तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये प्रोसेस कैसा है मोस्ट फीजिबल कैसा है मोस्ट फीजिबल का मतलब समझ गए ना सबसे जल्दी होगा और लीस्ट फीजिबल कौन सा है ये मना ही कर देगा मैम मतलब अगर हमें E नॉट दिया है तो E सेल है ना कहीं E सेल नहीं है ये इस प्रोसेस रिएक्शन के साथ दिया है मतलब इट इज गिवन फॉर दिस रिएक्शन ओनली ओके एक्चुअली उन्होंने तो ये दिया है आपको ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव में रिडक्शन तो मैं उसको इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ भाई ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा बाय टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन राइट तो इस पूरी जो हाफ सेल रिएक्शन जो भी रिएक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है इट इज इट डज नॉट मीन ई नॉट व्हेन वी रिप्रेजेंट ई नॉट विद द इक्वेशन दैट मींस दैट ई नॉट इज रिलेटेड विद दैट इक्वेशन ओनली इट डज नॉट मीन्स कि अभी एक मिनट अभव्या का डाउट बहुत अच्छा है ये देखो एक मिनट क्वेश्चन पर आने से पहले देखो अगर मैं ऐसी कोई रिएक्शन लिखती हूं राइट Mn डाई पॉजिटिव ओके ये पहले मुझे बताओ ये हाफ रेडॉक्स रिएक्शन है क्या बताओ जल्दी बताओ इज इट रेडॉक्स रिएक्शन ओनली रिडक्शन रेडॉक्स में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है इट इज ओनली रिडक्शन राइट अब ये जो ई नॉट है ना ये ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली रिडक्शन ऑफ MnO4 टू Mn डाई पॉजिटिव इज दैट क्लियर यस मैम ओके अभव्या यस मैम है ना इसी तरह से एक और मैं ऐसे लिख रही हूं कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है इज इट रेडॉक्स रिएक्शन जल्दी बताओ इट इज ओनली ऑक्सीडेशन इसका मतलब ये जो है ये ई सेल नहीं है इट इज रिप्रेजेंटिंग वॉट क्योंकि एक ही प्रोसेस हो रहा है ना यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स ये क्या बता रहा है ECl to Cl negative to Cl2 that is minus 1.36 volt is that clear yes sir और अब एक मिनट अब मैं इन दोनों को कंबाइंड करके अगर लिखती ठीक है सपोज दैट रिएक्शन ऐसी है मतलब जो भी एसिडिक बेसिक मीडियम होगा मैं बैलेंस नहीं कर रही हूं हाँ इज इट रेडॉक्स रिएक्शन यस मैम अब यहां पर जो भी मैं ई नॉट सेल लिखूंगी इसके साथ जो भी लिखूंगी एक्चुअली ये होगा कैथोड माइनस एनोड ये हो जाएगा देखना 1.51 में से 1.36 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15.15 वोल्ट है ना ये जो है
इट इज एक्चुअली इनोड सेल, राइट? सो इनोड सेल इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन. अभव्या क्लियर? सो इनोड सेल इज डिफाइंड फॉर, जल्दी बोलो, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, है ना? और इफ देयर इज नॉट कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन तो वो इनोड सेल नहीं होगा, दैट विल बी अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. क्लियर? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? क्लियर मैम. तो इनोड सेल इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. समर्थ, अथर्व, यस मैम. ये लोग जवाब ही नहीं दे रहे. आदित्य नहीं जवाब दे रहा है. पहले मैं दे रहा हूँ, जब से मैं ही दे रहा हूँ. अच्छा, यस मैम. हाँ, रुद्र फ्री हो गया क्या बेटा? हाँ मैम, अभी अभी जस्ट अभी अभी फ्री हो गया. अब आंसर देगा? यस मैम. हाँ, देखो कितने बच्चे कितने स्मार्ट है. क्लियर? तो चलो अब अपन बात करते हैं. इसमें बताओ बेटा, मोस्ट फीजिबल कौन सा है बच्चा पार्टी? कोबाल. वैल्यू सबसे ज्यादा है. लीस्ट फीजिबल कौन सा है? क्रोमियम. अब मुझे बताओ इसमें कौन जल्दी से, अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, मतलब ये अगर हम देखें प्लस थ्री टू, अरे यार मैं सोच रही हूँ अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखा जाए. प्लस थ्री टू, प्लस टू स्टेट में सबसे रेडीली कौन जाएगा बताओ? CO ट्राई पॉजिटिव सबसे पहले. yes, है ना? यस मैम. उसके बाद MN. MN ट्राई पॉजिटिव, देन FP. FP ट्राई पॉजिटिव, एंड देन TR ट्राई पॉजिटिव. ये हमको इंफॉर्मेशन है. और क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा है कि प्लस टू से प्लस थ्री कौन जाएगा, तो इसको अपन रिवर्ट कर दें, यस और नो? सो यस. प्लस टू से प्लस थ्री में कौन जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ. CR. बोलो तो तुम, मैं लिखूं आंसर पहले, जल्दी बताओ. CR डाई पॉजिटिव. अब यहाँ पे ट्राई मत लगाना क्योंकि प्लस टू से प्लस थ्री ले जाएंगे. देन Fe डाय पॉजिटिव, देन MN ट्राई पॉजिटिव, देन CO ट्राई पॉजिटिव. सॉरी सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है मैंने, डिक्रीजिंग लिख दिया बच्चे, अरे सॉरी, इंक्रीजिंग बोला है. तो सबसे मुश्किल से कौन जाएगा? CO ट्राई पॉजिटिव, देन MN ट्राई पॉजिटिv, देन तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया. पहले मैंने डिक्रीजिंग लगा दिया था, ठीक? तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम चेंज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं काफी क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि मैं शीट और डीपीपी देने वाली हूँ आज. और तुम लोग ना अटको इसलिए. एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, इस लाइन का क्या मतलब है? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यस और नो? यस मैम. तो कैन वी राइट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन. उसके बाद क्या लिखा है? बट कॉपर डज नॉट. इसका मतलब इतना बड़ा कौन लिखे? चलो तुम बोलो, मैं लिख दूंगी. हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन लगा लेते हैं. बताओ, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन एच, यस और नो? एंड कॉपर और एच में से क्या होगा? कॉपर नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है ना? नो मैम. तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव और हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस और नो? यस. कौन सा ऑर्डर हुआ बताओ? रिएक्टिविटी ऑर्डर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर कंबाइन करके लगाएं तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड कॉपर, राइट? अब आगे की लाइन पढ़ो. अ गैल्वेनिक सेल इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, ठीक है?
अब मुझे बताओ, हमने गैल्वेनिक सेल बनाया कॉपर इलेक्ट्रोड और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड में से, तो इसमें एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा, बताओ। अगर हम गैल्वेनिक सेल जो बना रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया है, उसमें यस आंसर आया, एनोड किसका? यस अभव गया, एक बच्चे का आंसर है, बताओ बच्चे। कैथोड ए एन। अरे यार तुम लोग, यस नितेश बिल्कुल सही, नितेश का सही है, नहीं श्रेयांशी गलत है, और ये श्रेयांशी का गलत आया, नितेश का सही आया। मैम सीयू एंड एल। तो बेटा दोनों में से, हाँ संस्कृति अभी सही है, बेटा दोनों में से कोई एक एनोड और कोई एक कैथोड होगा ना, तो मुझे बताओ एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। आपको पता है हम कैथोड और एनोड कैसे चूज करते हैं? डू यू नो? यस मैम। बताओ, प्रज्ञा है ना क्लास में? प्रज्ञा आज आंसर नहीं कर रही। प्रज्ञा, सौम्या, नीति, बताओ जल्दी कैसे करते हैं? बिल्कुल सही प्रणव, रुद्र बिल्कुल, रुद्र गलत हो गया, प्रणव बिल्कुल सही। बेटा हम कैसे चूज करते हैं? हाउ डू वी चूज कैथोड और एनोड, बताओ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। देखो ये देखो क्या लिखा है मैंने, देखो पूरी क्लास देखो, क्या बताया था? इलेक्ट्रोड विल लेसर एसआरपी एक्ट एज एनोड। अरे बोलो भाई। यस मैम। और हायर एसआरपी विल एक्ट एज कैथोड। अच्छा अब एसआरपी का रिएक्टिविटी से क्या रिलेशन है? इनवर्स। यस मैम। तो कैन वी से मेटल विद मोर रिएक्टिव मेटल एज एनोड एंड लेस रिएक्टिव मेटल एज कैथोड। यस नहीं आया? देखो एसआरपी से तो हमको पता है, हम रिएक्टिविटी से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो रिएक्टिविटी और एसआरपी का क्या रिलेशन है। ये इतने बेसिक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लेते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए लिख देती हूँ। बताओ क्या लिखूं बच्चों? क्या जो मैंने बोला, अगर तुम बोलोगे तो मैं लिख दूंगी, बताओ। मोर रिएक्टिव मेटल एज, अरे यार एनोड। मोर रिएक्टिव मेटल, हर्षिता चली गई क्लास से, एनोड। एंड लेस रिएक्टिव मेटल, राइट। तो अब मुझे बताओ बच्चे, हाँ मेरे को तो आवाज सुननी थी, मैसेज थोड़ी देखना था, मैं तो यही मानूंगी कि अर्षिता चली गई क्लास से। तो अब बताओ इसमें से एनोड क्या और कैथोड क्या? अच्छा ऐसा है क्या? ओके चलो, पीसी पर अटेंड कर रही हूँ क्लास। हाँ बताओ जल्दी, बताओ बच्चा पार्टी, एनोड क्या होगा? एएल ना? तो एल्यूमिनियम वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो, ठीक है, यस और नो? और कॉपर वाला क्या होगा? कैथोड, ठीक है। अब बोला है ईएमएफ ऑफ सेल कितना है? 2 वोल्ट। और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो एल्यूमिनियम का पूछा है। अब मुझे बताओ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट। अपन इसके लिए लिखें तो यहां पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना बच्चा पार्टी? यस मैम। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है? ई नॉट सेल गिवन है, आई थिंक कितना? 2 वोल्ट। और ये भी गिवन है 0.34 वोल्ट, राइट? तो निकाल सकते हैं, बताओ 2 equals to 0.34 माइनस, राइट? आंसर क्या पूछा है? मेरा गलत आया है, अभव्या का गलत आया है,
आंसर क्या पूछा है पहले मुझसे बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है या रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है? कृपया ये ध्यान रखें, कौन सा पोटेंशियल पूछा है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया बच्चे बताओ, निकाल लेते हैं। जयादित्य का आंसर गलत आया है, ये कितना आया बताओ बच्चे? जयादित्य ने ध्यान नहीं दिया। अब सही है, संस्कृति का, नितेश का सही है, जयादित्य ने निकाला तो सही लेकिन साइन जल्दीबाजी में अपोजिट कर दिया। बेटा ये रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। देयरफॉर अरे यार बेटा ये बड़ा धोखेबाजी इसी चीज पे कर पाती मैम, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट? ठीक है बच्चा पार्टी। यस मैम, क्या पूछा गया है ना? ओके यस मैम, निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब बताओ कैथोड एनोड चूज कर सकते हैं? मोर रिएक्टिव ऑलवेज एट एनोड एंड लेस रिएक्टिव ऑलवेज एट कैथोड। ठीक, डन। वन मोर क्वेश्चन, आज तो मैं सारे ही करवा दे रही हूं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड्स आर फॉलोइंग, मतलब Fe से Fe डाई पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये डाई पॉजिटिव से ट्राई पॉजिटिव का ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.77 वोल्ट। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना? व्हेन सॉल्यूशन ऑफ Fe डाई पॉजिटिव आयन, ट्राई पॉजिटिव आयन, Fe ब्लॉक आर केप्ट टुगेदर, तब क्या होगा? तब अपन देखते हैं। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, ऐसा कुछ किया, एक कंटेनर लिया, ओपन कंटेनर है, ठीक है, मैं ओपन बना नहीं सकती, इसी में आपने Fe डाई पॉजिटिव का भी सॉल्यूशन ले लिया, इसी में थोड़ा सा आपने Fe ट्राई पॉजिटिव आयन भी डाल दिया, राइट, और साथ में आपने क्या किया, इसी में ना आयरन रॉड डाल दिया या आयरन ब्लॉक डाल दिया, राइट, ये आयरन ब्लॉक, ठीक है, ये सब एक्वस सॉल्यूशन था ना जो ये Fe ट्राई पॉजिटिव और Fe आयन का, इसी के अंदर आपने आयरन ब्लॉक डाल दिया, समझे? कुछ ऐसा है, इन तीनों को एक कंटेनर में रख दिया तो क्या होगा? यस जयादित्य, तुक्का मारा गया, नहीं आंसर सही दिया है बच्चे ने, नहीं आई एम सिंपली जोकिंग बेटा, वेरी गुड, ब्रावो, शाबाश। अच्छा आंसर गिवन है, ओ और मैंने जबरदस्ती इसको शाबाशी दे दी, बट मैम मैंने नहीं देखा था आंसर। हाँ थैंक यू संस्कृति समर्थ, अरे बट मैंने नहीं, अरे 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 बट होगा कैसे? नहीं 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 देखो नहीं देखो नहीं देखो नहीं, ये गलती से मैं ना उसमें से मैं वो करना भूल गई, मुड़ मुड़ नहीं देखा, नहीं नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा था मैम, आंसर ही नहीं देखा था, आंसर नहीं देखा था, ओके, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने बोल दिया, देख लिया, नहीं देखा, नहीं देखा। चलो देखो अब अपन क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा आयरन का आयरन प्लस में ऑक्सीडेशन है ना, तो ये हमको Fe कन्वर्ट्स टू Fe डायपॉजिटिव बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, इसका E नॉट कितना है बेटा जल्दी बताओ? 4.4 वोल्ट है ना, मैंने वो ही लिखा, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस गिवन है, ओके ठीक। देन अब हमको क्या गिवन है? Fe डाई पॉजिटिव ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है? Fe ट्राई पॉजिटिव में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका E नॉट कितना है? -0.77 वोल्ट,
ओके ऐसा एनोड और कैथोड की तो कोई बात ही नहीं होगी जयादित्य, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये तो बहुत एक चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हम यहाँ पर ये लगाएंगे। वैसे तो अगर मैं देखूं तो इसमें गिफ्ट्स के बाद ये बहुत अच्छे से होगा सॉल्व, लेकिन उसके पहले भी हम ये बोलते हैं कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं इस रिएक्शन को, ट्राई पॉजिटिव बाय टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट्स टू एफ डाई पॉजिटिव, तो इसका ई नॉट कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, यस और नो? यस। ये दोनों ही प्रोसेस के, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों रिएक्शन फिजिबल है? यस और नो? देखो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब फिजिबल है, यस और नो? यस मैम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये भी फिजिबल है, यस और नो? सॉल्यूशन तीनों चीजें हैं, मतलब Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी फिजिबल है, यस? Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Fe ट्राई पॉजिटिव भी डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन अगर अपन इस सॉल्यूशन में करें, हाँ यस, कंसंट्रेशन ऑफ Fe, ठीक है, इतना लंबा टाइप भी कर दिया जाए इतने, आई एक्सेप्टेड। अब अपन देखें इस सॉल्यूशन में होगा क्या। नंबर वन, Fe डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्यों बताओ जल्दी, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन फिजिबल है ना बेटा। देखो इस रिएक्शन से भी डाई पॉजिटिव बन रहा है और इससे भी डाई पॉजिटिव बन रहा है, नंबर टू, ठीक है। नंबर टू, जो आयरन ब्लॉक है That will get dissolved, right? Yes, will dissolve होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन में आ जाए, इसमें अपन तीनों ही पढ़ लेते हैं। और नंबर थ्री, आयरन बताओ डिजोल्व होगा ना, डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और यहां पर Fe ट्राई पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जो एज ए रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा और जो एज ए प्रोडक्ट है उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, राइट? यस मैम, है ना। तो ये दो रिएक्शन फिजिबल है, इज दैट क्लियर और नॉट? यस मैम, क्लियर। तो जब भी ऐसे कोई रिएक्शन आए तो जो निगेटिव वैल्यू अगर ई नॉट सेल की गिवन हो या ई सेल है ना, तो आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर लो, अगर निगेटिव है तो नॉन फिजिबल रिएक्शन है, लेकिन आपने पॉजिटिव कर लिया तो वो फिजिबल हो जाएगी। तो सेकंड वाली कैसी है, नॉन फिजिबल, और आपने इनवर्स कर लिया तो फिजिबल हो गया। तो फिजिबिलिटी के कारण देखो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, प्रोडक्ट साइड है और इसका भी बढ़ने लगा, राइट? तो या तो ये हो सकता है, अगर ऑप्शन में एमसीक्यू में हो तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब ढूंढ लो क्या आंसर है, बी। हाँ, और नंबर फोर भी बता सकती हूँ, नंबर फोर भी बता सकते हैं, अगर हम डाई पॉजिटिव टू ट्राई पॉजिटिव का रेशियो देखें तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यस और नो? क्योंकि ट्राई पॉजिटिव कम हो रहा है और डाई पॉजिटिव बढ़ रहा है, सो देयर रेशियो इंक्रीजेस, यस और नो? यस। सीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन, समझे बच्चा पार्टी? यस मैम। नहीं समझे? समझ गए बच्चे, समझे, समझ गए मैम, पक्का? चलो यस मैम। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, Fe डाई पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव, दैट विल, बताओ क्या होगा, increases, okay, clear, any doubt? No ma'am, no,